गुड मॉर्निंग एवरी वन. सो एज वी ऑलरेडी कवर्ड अवर फर्स्ट लेसन एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द न्यू लेसन दैट इज अ फूड एंड डिफिशियंसी डिसीजेस. सो स्टूडेंट्स, द फूड एंड डिफिशियंसी डिसीजेस बोथ आर रिलेटेड विथ ईच अदर बिकॉज विच टाइप ऑफ फूड वी आर टेकिंग द डिसीजेस डिपेंड ऑन दैट. इफ यू आर ईटिंग हेल्दी फूड सो अवर हेल्थ इज हेल्दी. इफ यू आर ईटिंग अनहेल्दी फूड देन वी आर अनहेल्दी. सो स्टूडेंट्स, हेयर यू कैन सी वन बॉय इज देयर. सो उस बॉय को देखने के बाद आप क्या ऑब्जर्व कर सकते हो? सो बॉय इज ही इज अ स्ट्रांग, एक्टिव एंड एनर्जेटिक. येस. सो वेन एवर वी आर सीइंग दिस टाइप ऑफ चाइल्ड, सो दैट टाइम वी कैन से दैट द चाइल्ड इज स्ट्रांग, ही इज मोर एनर्जेटिक एंड देन ही इज एक्टिव ऑल्सो. ओके, बिकॉज ही इज डूइंग एक्सरसाइज, सो दैट्स वाई ही इज एक्टिव, एनर्जेटिक एंड स्ट्रांग. ओके, सेम वे अपोजिट विद द सेम बॉय द अनदर बॉय इज हेयर. ओके, सो हेयर यू कैन सी बाय ऑब्जर्विंग द बॉय विच इज प्रेजेंट इन द पिक्चर, वट यू विल ऑब्जर्व, ही इज डल, इनएक्टिव, देन वीक एंड टायर्ड. ओके, सो जैसे फर्स्ट बॉय को ऑब्जर्व करने के बाद हम बोल सकते थे कि वो बॉय स्ट्रांग है, एनर्जेटिक है, एक्टिव है. सो इन दिस पिक्चर यू कैन सी दैट द बॉय इज डल, वीक एंड टायर्ड. ओके, सो वॉट इज द रीजन बिहाइंड दैट? सो रीजन बिहाइंड दैट, सो फर्स्ट बॉय इज स्ट्रांग एंड सेकेंड वन इज अ वीक एंड द रीजन इज गुड हेल्थ. ओके, सो हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल वेल बींग एंड नॉट मेयरली द अब्सेंस ऑफ डिसीजेस. तो हेल्थ क्या है, ये डिपेंड करता है हमारी फिजिकल एंड मेंटल वेल बींग पे. हम कितनी फिजिकली स्ट्रांग है और कितने मेंटली हम स्टेबल हैं. ओके, एंड अगर हमें कोई भी डिसीज नहीं है, सो दैट टाइम वी कैन से दैट वी आर हैविंग अ गुड हेल्थ. सो वी ऑल वॉन्ट गुड हेल्थ, आई थिंक सो एवरी वन इज वॉन्ट द गुड हेल्थ. सो टू बी हेल्दी वी शुड, हमें हेल्दी बनने के लिए क्या करना चाहिए? सो आई एम गिविंग सम टिप्स टू यू, सो हाउ टू बी मेंटेन अ गुड हेल्थ. सो द फर्स्ट इज ईट अ बैलेंस डाइट. सबसे पहले क्या होना चाहिए? ईट बैलेंस डाइट. देन सेकेंड वन इज एक्सरसाइज रेगुलरली. देन नेक्स्ट वन इज कंज्यूम एडिक्वेट क्वान्टिटीज ऑफ वाटर, टेक सफिशियंट रेस्ट. देन नेक्स्ट वन इज कीप आवर सेल्फ एंड आवर एनवायरमेंट फ्री फ्रॉम डस्ट, डर्ट एंड पोल्यूशन. ओके, देन नेक्स्ट वन इज प्लांट मोर ट्रीज टू गेट मोर ऑक्सीजन फॉर रिस्पायरेशन. सो फॉर गुड हेल्थ वट थिंग्स वी रिक्वायर, फर्स्ट इज ईट बैलेंस डाइट. हमारा डाइट बहुत ही बैलेंस होना चाहिए. देन एक्सरसाइज रेगुलरली, डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए. देन कंज्यूम द सफिशियंट अमाउंट ऑफ वाटर, हमें डेली बहुत ज़्यादा वाटर पीना चाहिए. देन सफिशियंट रेस्ट, रेस्ट इज ऑल्सो रिक्वायर, सफिशियंट रेस्ट होनी चाहिए. देन हमारा जो एनवायरमेंट है, कीप अवर एनवायरमेंट क्लीन, मीन्स अवर एनवायरमेंट इट शुड बी फ्री फ्रॉम डर्ट, डस्ट एंड द पोल्यूशन. एंड द नेक्स्ट वन इज प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज टू गेट मोर ऑक्सीजन फॉर रिस्पायरेशन. ओके, सो अगर हमने बहुत ज़्यादा ट्रीज प्लांट किए तो हमारा जो एनवायरमेंट है वो भी क्लीन हो जाएगा एंड दैट टाइम वी विल गेट मोर एंड मोर ऑक्सीजन. सो स्टूडेंट, दिज ऑल आर द स्टेप्स टू कीप गुड हेल्थ. एंड ये सारी चीज़ें करने के बाद हम हेल्दी भी बन सकते हैं एंड जो फर्स्ट बॉय था उस बॉय की तरह हम हेल्दी, स्ट्रांग एंड एक्टिव बन सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज फूड प्रिजर्वेशन. ओके, सो फूड प्रिजर्वेशन क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट अस डिस्कस अबाउट द व्हाट इज मीन बाय द फूड प्रिजर्वेशन. ओके, सो द फूड प्रिजर्वेशन इट इज़ अ प्रोसेस इन विच, ये प्रोसेस है उसमें क्या क्या होता है, फूड एंड वेजिटेबल्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड. ओके, आफ्टर फ्यू डेज अगर हम कुछ भी वेजिटेबल और फूड बहुत ज़्यादा दिनों तक रखते हैं तो कुछ दिनों के बाद वो स्पॉइल्ड हो जाते हैं. देन द कलर, टेस्ट एंड न्यूट्रिशन वैल्यूज ऑफ फूड इज ऑल्सो प्रिजर्व. देन फूड प्रोडक्ट्स लास्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, सेल्फ लाइफ ऑफ फूड प्रोडक्ट इज इंक्रीज्ड. सो फूड प्रिजर्वेशन एक मेथड है जहाँ पे फूड स्पॉइलेज जो होता है उसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं. देन फूड में जो न्यूट्रिशंस होते हैं वो भी लैक हो जाते हैं, उस न्यूट्रिशंस को भी हम इंक्रीज कर सकते हैं. सो फूड स्पॉइलेज रेफर्स टू एनी चेंज दैट रेंडर्स फूड नो लॉन्गर फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. जैसे फूड स्पॉइलेज हो जाता है तो हमारी वो बॉडी के लिए हेल्दी नहीं है. सो अगर
फूड स्पॉइल हो जाता है तो उसका कलर, टेस्ट एंड न्यूट्रिशन जो भी है वो चेंज हो जाते हैं। अगर फूड हम ज़्यादा टाइम तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं, फूड हम ज़्यादा टाइम तक स्टोर करते हैं तो वो स्पॉइल हो सकता है। सो टू प्रिवेंट ऑल दिस थिंग्स वी हैव टू प्रिजर्व द फूड। सो थ्रू फूड प्रिजर्वेशन वेस्टेज ऑफ फूड कैन बी रिड्यूस्ड। एज द ओल्ड सेइंग गोज, वेस्ट नॉट वॉन्ट नॉट। ओके, सो जैसे कि फूड प्रिजर्वेशन से हम क्या कर सकते हैं, फूड वेस्ट जो हो रहे हैं उस वेस्ट फूड को हम रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि हमने कुछ बोला है, वेस्ट नॉट वॉन्ट नॉट, ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए, जितना चाहिए उतना ही लेना चाहिए। सो दिस इज़ रिलेटेड विद द फूड प्रिजर्वेशन। एंड नेक्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मेथड्स ऑफ द फूड प्रिजर्वेशन। हमने फूड प्रिजर्वेशन क्या है ये देखा है, बट विच आर द मेथड्स टू प्रिजर्व द फूड्स। सो हेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। ओके, थ्रू दिस मेथड्स वी कैन प्रिजर्व द फूड फॉर लॉन्गर टाइम, वी कैन स्टॉप वेस्टेज ऑफ फूड। सो द फर्स्ट मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, इट इज़ अ फ्रीजिंग। ओके, सो इट इज़ द सिंपलेस्ट वे टू प्रिजर्व फूड एंड द मोस्ट नेचुरल, ऑल्दो नॉट द cheapest. Okay, it is the simplest way to preserve the food and the most natural, although not the cheapest. Okay, so freezing is a food preservation method in which the food substance are kept at extremely low temperature. In the freezing process, जो भी हमारे food है वो low temperature पे preserve किए जाते हैं। जैसे microorganisms such as bacteria and fungi cannot survive at extremely low temperatures. So students, do you know that the microorganism just like as bacteria and fungi, they cannot survive at low temperature. So in freezing process, जो भी food होते हैं उस food को हम low temperature पे save करते हैं। जैसे कि low temperature पे अगर हम उसे store करते तो लो टेम्परेचर पे वहाँ पे बैक्टीरिया और फंगी डेवलप नहीं हो सकते। अगर बैक्टीरिया और फंगी वहाँ पे अवेलेबल नहीं है सो हमारा फूड जो है वो स्पॉइल होने से बच जाता है। सो फ्लेवर एंड अपीयरेंस आर अनचेंज्ड। ओके, मेथड्स यहाँ पे जो मेथड्स दिए हैं उसमें फ्रीजिंग प्रिजर्वेशन के मेथड्स दिए हैं। सो द मेथड इज़ वेरी इजी टू लर्न। ये फ्रीजिंग की मेथड बहुत ईजी है लर्न करने के लिए। इट इज़ सेफ फॉर स्पॉइलिंग ऑर्गेनिजम्स, प्रिवेंट आर अनेबल टू मल्टीप्लाई एट फ्रीजर टेम्परेचर। जैसे प्रीवियसली मैंने एक्सप्लेन किया था, कुछ ऑर्गेनिजम्स है वो ऑर्गेनिजम्स जो फूड स्पॉइल करते हैं वो ऑर्गेनिजम्स फ्रीजिंग टेम्परेचर पर डेवलप नहीं हो सकते हैं। सो कीपिंग फूड इन द रेफ्रिजरेटर और इन अ डीप फ्रीजर प्रिवेंट्स इट फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। अगर आप कुछ भी रेफ्रिजरेटर में और फ्रीजर में रख रहे हो तो वो स्पॉइल नहीं होता है। सो फूड सब्सटेंस सच एज मीट एंड वेजिटेबल्स आर प्रिजर्व बाय दिस मेथड। सो मीट एंड वेजिटेबल्स कैन बी प्रिजर्व बाय यूजिंग फ्रीजिंग मेथड्स। इफ फ्रीजर इज डन इन अ रेगुलर फ्रीजर यूनिट, इट प्रोवाइड्स यू अ मार्केट इन योर किचन, स्टोर्स होल मील रेडी टू हीट। ओके, सो जो भी लेफ्ट ओवर वेजिटेबल्स होते हैं या मीट होते हैं या कुछ वेजिटेबल्स जो आज हमने फूड बनाए होते हैं, उस फूड को अगर हमें प्रिजर्व करना है तो उस फूड को हम फ्रिज में रख के प्रिजर्व कर सकते हैं, बिकॉज फ्रीजर इज़ हैविंग वेरी लो टेम्परेचर एंड एट लो टेम्परेचर वी कैन प्रिजर्व फूड। सो नेक्स्ट मेथड इज कैनिंग मेथड। सो कैनिंग इट इज़ अ मेथड ऑफ हीटिंग द फूड एंड सीलिंग इट इन एन एयर टाइट कंटेनर। ओके, कैनिंग इज अ मेथड। फूड सब्सटेंसेज आर स्टोर इन स्टेरलाइज कैंस एंड जार्स एंड देन दे आर सील। कैनिंग मेथड में जो भी फूड्स होते हैं वो फूड एक कैन में और या तो जार में स्टोर किए जाते हैं और उस स्टोर करने के बाद उसे हम सील कर देते हैं। द सील कैंस आर देन हीटेड टू डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट कैन कॉज फूड टू spoil. Okay, so canning is a method that can be used with success with the widest variety of food. The advantages of canning is that the food can keep long and is always ready to use. Canning method में हम जो foods है वो jar में या तो किसी can में store करते हैं। After the sealing
उस कैन को हम हीट करते हैं। तो हीट कितना करना है, जब तक उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स प्रेजेंट है जो फूड को स्पॉइल करते वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म डिस्ट्रॉय होने तक। सो माइक्रो ऑर्गेनिज़म डिस्ट्रॉय होने के बाद हम उस सील को वैसे ही रखते हैं, वेन एवर वी वॉन्ट टू ईट दैट फूड सो दैट टाइम वी आर गोइंग टू ओपन इट। सो फूड सब्सटेंस है जस्ट एज जाम फिश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आर जनरली कैंड एंड सोल्ड इन द मार्केट। जो भी मार्केट में हमें वेजिटेबल्स मिलते हैं, जाम फिश फ्रूट, ये सारी चीज़ें हमें जब मार्केट में मिलती है ये सारी चीज़ें कैनिंग प्रोसेस से स्टोर की जाती है। सो स्टूडेंट्स, दिस ऑल द थिंग्स आर रिलेटेड विद गुड हेल्थ। वी ऑल टूडे डिस्कस अबाउट द गुड हेल्थ एंड द प्रिजर्वेशन एंड द मेथड्स ऑफ द प्रिजर्वेशन। सो फॉर द गुड हेल्थ हमें कुछ डाइट फॉलो करना है, जैसे कि ईट बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज रेगुलरली, देन सफिशिएंट अमाउंट में वाटर ड्रिंक करना है, देन सफिशिएंट रेस्ट लेनी है, देन हमारा एनवायरनमेंट जो है वो क्लीन रखना है। और उसके बाद हमने प्रिजर्वेशन ऑफ फूड देखा। सो प्रिजर्वेशन ऑफ फूड मीन्स दैट टू प्रिवेंट द फूड फ्रॉम द स्पॉइलेज, फूड स्पॉइल होने से हमें उसे प्रिवेंट करना है। और हमने फ्रीजिंग और कैनिंग बोथ द मेथड्स डिस्कस किए। सो इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट्स स्टूडेंट्स यू कैन आस्क मी। फॉर टुडे थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।